जमरू वाले बाबा का दर्शन कीजिए। अरे चलो 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 बहुत खतरनाक रास्ता। अरे खतरनाक रास्ता नहीं जाना। अरे अरे नहीं, अरे गिर जाइएगा। मुझे दम घुट रहा था बहुत ज्यादा। सर को कैसे आ रहा है रास्ता? इतना रास्ता खतरनाक है फिर भी एकदम चल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सबों का हमारे चैनल एस नेस्ट पर स्वागत है। हम हैं अभी देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और नैनीताल में हम आज का ब्लॉग एक स्पेशल ब्लॉग होने जा रहा है, बहुत रोमांच से भरा हुआ। तो ये इको केव पार्क है, आप देख रहे हैं इसका बोर्ड, इको केव पार्क, देख लीजिए सामने से। तो इको केव पार्क में अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं। तो अभी टिकट लेंगे और करके देखते हैं कितने का टिकट लगता है। अभी सविता को भेजते हैं टिकट लेने के लिए। तो सविता जा रही है टिकट लेने के लिए, और ये चना मसाला का ये चटपटा कितने का टिकट लगता है अभी पता चलेगा। तो इको केव पार्क का टिकट है 100 रुपीज एडल्ट, चाइल्ड के लिए 60 रुपीज। तो दो टिकट ले रहे हैं, टिकट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अंदर आइए। अभी केव गार्डन में हम लोग इंटर हो रहे हैं, सामने लगा दो बाइक के बगल में, और देखिए कितना खूबसूरत है। अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या सब है। ये तो बहुत अच्छा लगता है, तो पूरा रॉक्स का डिजाइन बना हुआ है और बहुत खूबसूरत। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चल के देखते हैं। चलिए, बहुत बड़ा गार्डन है। कितना बड़ा गार्डन है सर? इसमें ये होगा 350-400 मीटर सर्किल में, 350-400। तो इसमें खास चीज सब क्या सब है सर? खास यहाँ पर गुफाएं, नेचुरल गुफाएं हैं सर। आपका नाम क्या है? मेरा सर भुवन चौधरी। तो यहाँ कितना टाइम लगता है घूमने में? सर आधा घंटा लगेगा यहाँ घूमने में, आधा घंटा लगता है घूमने। और अच्छा, ये कितने सालों से है सर? ये हो गया, ये 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए, 2002 से 20 साल लगा दी। 20 साल हो गया। और कितने बजे से एंट्री है? एंट्री 10 बजे से सर। 10 बजे से, 10 से 4:30 तक एंट्री होती है, 5 बजे बंद होता है। 5 बजे बंद होता है, ठीक है सर। यहाँ से आना, वे टू के दिखाई, यहाँ से लेफ्ट होगा, नीचे आके राइट, टाइगर केव में जाना, लेफ्ट होके पैंथर में आ जाओगे, दोनों कवर होगा। टाइगर और पैंथर सब है यहाँ पर, बच्चों के लिए, फैमिली के साथ है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फोटो क्लिक पॉइंट सब है। शंकर शर्मा पर एकदम जलार्पण हो रहा है। अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा, भोलेनाथ का दर्शन हो गया। जमरू के साथ बैठे, जमरू वाले बाबा का दर्शन कीजिए, फिर चलिए केव। लेफ्ट से जी, लेफ्ट से चलो, वे टू केव इधर है रास्ता। ये इसका मैप है पूरा, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कहाँ से कैसे एंट्री है, कौन कौन चीजें हैं,
तो अभी हम लोग चल रहे हैं केव के तरफ, वे टू केव। बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट लुक है और नेचुरल लग रहा है, नेचुरल केव है। बहुत सलीके से इसको तैयार किया गया है, बच्चे बहुत यहाँ पर आकर के खुश हो जाते हैं। तो देखिए आप, काफ़ी यह शो फोटो शूट हो रहे हैं। और नैनीताल का ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, टाइगर पैंथर जोन है ये, शेर पूरा दहा रहा है ना, टाइगर केव। आप कहाँ से सर? यूपी सुल्तानपुर। अरे हम भी तो आए हैं लखनऊ से। लखनऊ से। आपका गुड नेम क्या हुआ सर? दुर्गेश मिश्रा। दुर्गेश मिश्रा जी, आपका? मेरा नाम हुआ संजय कुमार ठाकुर। यहाँ पर कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? बस यही है कि बरसात हो गई जिसकी वजह से। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग नासिक से। नासिक से? वाह वाह, बहुत दूर से। बहुत अच्छा, थैंक यू। पूरा टाइगर जैसा दहाड़ रहा है, वाह बहुत जबरदस्त आवाज। मुझे डाउट ही था और नहीं साउंड देखे। वाह बहुत तेज दहाड़ रहा है टाइगर, बच के जाइएगा। बाप रे, नहीं ठीक है। गजब का रास्ता है, धीरे धीरे चलिएगा। पानी भी ऊपर से टपक रहा है। बहुत खतरनाक रास्ता है, खतरनाक रास्ता है। बिल्कुल, मैं नहीं जाती उधर। बाप रे बाप, नहीं चल पाऊंगी मैं। अरे चली जाओगी ना, ना। अरे चले जाना। नहीं नहीं, हम कमरा चले जाएंगे। अरे चले जाइए, चले जाइएगा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हिम्मत, हिम्मत बन गया। बाप, बहुत जबरदस्त है। इधर से हम लोग आए हैं और इधर से जा रहे हैं। देखिए सुनता कैसे जा रही है, डर डर के जा रही है। अरे चलो चलो, अरे चली जाओगी, अरे चली जाओगी। बहुत आसान है, आ जाइए। जब हम जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जाइएगा? आखिर सबका खींच के लाए, आ ही नहीं रही। बहुत डर लगता है। क्या डर लगता है? ना ना, हम ऐसे रास्ते में नहीं जा सकते। चलिए आगे। कितना अच्छा तो लग रहा है जी। नहीं नहीं, ये बहुत डरावना है, इसे चलना है। चलिए, बहुत अच्छा है। बच्चों को तो बहुत आनंद आता है इन रास्तों से, बच्चे बहुत मजे करते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी बहुत मजे कर रहे हैं। है खुला हुआ, खुला हुआ है ये। और कितना दूर है भैया? निकल गया। आप लोग कहाँ से आए सर? हम लोग आए बिहार। बिहार? अरे बिहार से है, मैं भी बिहार में। कहाँ से? यहाँ चंपारण, मोतिहारी। मोतिहारी है चंपारण, मीट वाला। जी जी बिल्कुल। हाँ, जसवाल का चंपारण में बहुत जबरदस्त मीट है। हम भी पटना से हैं। चलिए 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 चलिए, आइए। आपका क्या नाम हुआ सर? अमित कुमार। अमित कुमार, आप भी बिहार से हो क्या? यस यस सर। बिहार में
मोतिहारी मोतिहारी वाह मैं मोतिहारी रह चुका हूँ चलिए बहुत अच्छा यहाँ के कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है नैनीताल घूमने आए थे यस वेरी गुड थैंक यू टू मीट यू थैंक यू देखिए हमारे सब्सक्राइबर लोग यहाँ मिल गए हैं और बिहार के हैं तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है चलिए सविता एकदम परेशान है डर डर के चल रही है हमको तो बहुत मजा आ रहा है खतरनाक है रास्ता फ्रेंड्स एक और ले रहे हैं बहुत खतरनाक है देखिए सर को कैसे आ रहा है रास्ता इतना रास्ता खतरनाक है फिर भी एकदम चढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत कठिन है बहुत आनंद उठा रहे हैं मजा भी आ रहा है उस गुफा का आनंद ले रहे हैं सही में आनंद तो मुझे भी आया पर डर मुझे बहुत लगता है गुफा वाली रास्ते डरना क्या है सारे लोग तो चल ही रहे बच्चे लोग चल रहे हैं आ जाइए देखिए ये रास्ता देखिए रास्ता अब हमसे बात कीजिए वाओ देखिए बहुत जबरदस्त ये गुफा है यहाँ जरूर आइए और काफी मजा आएगा कैसा लग रहा है बाबू अच्छा लग रहा है आप लोग कहाँ से आए हो पुणे वेरी गुड वेलकम आ रहे मजे आ रहे ना यस गेम में मजे आ रहे हैं थैंक यू सर थैंक यू बहुत अच्छा व्यू सब है यहाँ फोटो आ जाएगा ये पैंथर का रास्ता है भाई साहब जा रहे हैं देखने के लिए भाई साहब जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे जाके देखिए तो सब बहुत ज्यादा नहीं जाइएगा स्टेयर्स बना हुआ है यहाँ पर हाँ स्टेयर्स बने हुए हैं हाँ लाइट्स भी और स्टेयर्स भी हैं टॉप है इससे बस वो आप मैं आपको किसी ने बताया हाँ वो जो थे ना हाँ वो बता रहे थे टिकट लिया थोड़ा सा इजी है थोड़ा सा टफ है ठीक है खासकर बच्चों को ले जाना और फील्ड में से जा रहे हो क्या और दोनों कहीं पर कंबाइन होके मिलता है टाइगर एंड पैंथर कहीं पर कंबाइन होके मिलता है फिर उधर से निकल के कैंटीन एरिया में आता है और ऐसे यहाँ से एग्जिट है ऐसे यहाँ पर आउट हो रहा है आउट हो जाएंगे ना यहाँ पर बताओ तो सविता पैंथर के में इन कर रही है चलिए जी पैंथर केव है अरे चलो ना जी अरे चलो 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 अरे अरे चलो चलो नहीं ना बहुत खतरनाक रास्ता अरे खतरनाक रास्ते से ही जाने का अलग आनंद है जी नहीं मैं चलो हम लिए चलते हैं अरे अरे भाग गई देखिए भाग गई पैंथर क्या है यही रास्ता है पैंथर केव का लेकिन सविता जाना नहीं चाह रही है तो अब हम इसको छोड़ के अकेले जाएं कैसे तो हम भी लौट आते हैं और क्या काफी लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा आ रहे हैं व्यू बहुत मजा आ रहा है जी चलिए ऊपर चलिए चलती हूँ सविता भाग के चली आई और ऊपर निकल गई बहुत डर लग रहा है केव में बहुत डर लगता है दम घुटने लगता है इसको केव में खतरनाक रास्ता पसंद हम जानते थे आपको होटल में ही छोड़ के चले आते रास्ते कम खतरनाक थे जहाँ से हम लोग आए आखिर हम लोग इस केव से निकल गए देखिए सविता ऊपर चली गई आ रहे हैं जी आ रहे हैं ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा है देख हाँ बहुत अच्छा बस आ गए ये यहाँ से कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है हिल का और ये फॉरेस्ट व्यू है सविता यहाँ पर रेस्ट फरमा रही है एकदम लगा के दम घुट रहा था बहुत ज्यादा पानी पीजिए पानी पीजिए फिर और घुमाते हैं चलिए तो पूरा फॉरेस्ट के वे से हम लोग गुजर रहे हैं चल रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है जी बहुत मजा आ रहा है ये एकदम ये चारों तरफ ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है ना
उस पर से जो कल जो बर्फ गिरा है उसके कारण और पेड़ पौधा सब इतना मतलब धूल के साफ सूख हो गया है। कल इवनिंग में बहुत कल नाइट में बहुत ज्यादा जैसे बर्फबारी हुई थी कि लाइफ में पहला बार ऐसा बर्फ गिरते लाइफ देखे। 31 मार्च के इवनिंग में सरता काफी मजे ली, हम लोग नाइट ड्राइव कर रहे थे, इतना खेले बर्फ से। नैनीताल के हिल स्टेशन पर हम लोग काफी कल इवनिंग में नाइट ड्राइव किया और पूरा उस समय स्नोफॉल हो रहा था और स्नोफॉल में बहुत मजे की सब था, वही अपना एक्सपीरियंस बोल रही थी। अभी चलिए केव में और आगे दिखलाते हैं। इधर से स्काई साइकिलिंग हो रही है तो स्काई साइकिलिंग की तरफ चल रहे हैं। बच्चे लोगों के लिए इधर किड जोन भी है और बच्चे लोगों के लिए एक जीप लाइन भी है। चलिए चलिए तो वो भी आपको हम दिखाते हैं कि ये मेरा चैनल फैमिली चैनल है तो बच्चे भी देखते हैं, फैमिली के साथ जब पेरेंट देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। पहले छोटे बच्चे को आपने देखा, अब आप बड़े बच्चे को देखिएगा। वाह कितना मजा रहा है, कितना मजा रहा है, मुझे भी चढ़ना है। अरे अरे नहीं नहीं कर रहा है, अरे गिर जाइएगा, नहीं गिरेंगे, मुझे भी जाना है। मुझे आपका गुड नेम क्या हुआ सर? My name is Rajat Sharma. और आप कहाँ से हो? I am also editor and graphic artist. और मैं दिल्ली से हूँ। You came here as a tourist? Yeah. What are you feeling to come Nainital? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और यहाँ का जो एटमोसफेयर है ना, कल तो यहाँ पे ओले भी पड़े थे। हाँ कल ओले भी पड़े थे, बारिश बहुत थी तो बहुत मजे आ रहे हैं यहाँ पे, और खासकर बच्चों को इस केव में बहुत अच्छा लग रहा है, केव गार्डन में। जी जी जी, तो थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू बाबू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। तो ये हमारे सब्सक्राइबर लोग मिल गए थे, बहुत अच्छे लोग थे, ये बहुत अच्छे लोग हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं और घूमने आए हैं गार्डन में, यहाँ के बहुत मजा आया वाकई में। चलिए चलिए आगे और कुछ चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए किड जोन है, यहाँ तक पहुँच गया। एक बार हैंग करके देखो, बहुत स्टैंड चाहिए। तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए भी, यहाँ पर बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। और वहाँ जीप लाइन वहाँ का है, चलिए यहाँ से जीप लाइन स्टार्ट होता है, वहाँ दिख रहा। आप लोग कहाँ से आए हैं? लखनऊ। अरे मैं भी तो लखनऊ से आया हूँ। कहाँ से लखनऊ? लखनऊ में तो हम वहाँ पर अभी ठहरे हुए थे कैंट एरिया में। अच्छा, और बिहार के लग रहे हैं? हाँ बिहार के, पटना के रहने वाले हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं। बेगूसराय हम लोग सेटल लखनऊ में ही हैं। यस यस, लखनऊ में सेटल हैं पर बेगूसराय को बिलोंग करते हैं। हाँ तो पटना के रहने वाले हैं, वैसे हमारा समस्तीपुर में भी घर है। अच्छा, और पटना में भी रह रहा हूँ। तो वो यहाँ सुल्तानपुर रोड पर शहीद पथ के आगे, तो आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग बिहार के हो और यहाँ घूमने आए हैं, तो हम भी लखनऊ आए थे और फिर यहाँ घूमने के लिए चले आए थे। तो कल ही आए आप लोग, स्टार्ट है परसों आए, तो कल इवनिंग में आप लोगों ने यहाँ के ओले वगैरह स्नोफॉल देखे होंगे, ऐसा देखे हैं कि बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आपको हम वीडियो दिखाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जी 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 जी, गाड़ी में थे अंदर। जी जी, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। जी जी, मतलब बहुत मोटी लेयर रोड पर, लोग उसको ढूंढते हैं उस एक्सपीरियंस को, और हम लोगों ने उस एक्सपीरियंस को देखा कल। जी जी, बहुत अच्छा सर। हाँ अरे वाह, पूरा बर्फ ही भरा हुआ था, सब बर्फ ही भरा हुआ। हम लोगों ने भी वीडियो बनाई है। तो अभी हम लोग नैनीताल के ये इको गार्डन, इको केव गार्डन को आपको दिखला रहे थे। हमने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की, काफ़ी लोग मिले,
बिहार के भी लोग मिले, यूपी के भी लोग मिले, दिल्ली के भी मिले, पुणे महाराष्ट्र में चारों तरफ से लोग यहाँ आए हुए हैं। लोग यहाँ आए तो काफ़ी यहाँ पर बर्फबारी वगैरह देखने को मिला, तो काफ़ी बर्फबारी वगैरह कल इवनिंग में लोग देखे, वो भी हमसे यहाँ पर शेयर कर रहे थे। तो काफ़ी आज का ये ब्लॉग रहा, तो ये ब्लॉग कैसा लगा ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा, हमें आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप बताएंगे कि हमें और क्या अच्छा करना चाहिए। फिर मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग में, तब तक लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। बहुत सुंदर, गजब, पहाड़ी पर फिर से बादल आने लगा, बहुत अच्छे लग रहे। रोहतक रोहतक से, हरियाणा से हैं, तो यहाँ पर आके कैसा लग रहा है?